पिछले ब्लॉग में कहा था कि एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि गैस करो यार क्या खुशखबरी है। तो पहली खुशखबरी आई थी ये कि मेरे 10K हो चुके हैं, तो दिल से लव यू यार, थैंक यू अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई। सेकंड खुशखबरी तुम्हारे भाई की, नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग हो रहा है शाम के टाइम पर शूट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे जैसे तुम्हारा भाई कर रहा है, मतलब दिन रात। जो मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि गैस करो यार क्या खुशखबरी है। तो अभी जो हमारे कैमरा मैन वो नितिन है, ठीक है दोस्तों, 2 से 3 खुशखबरियाँ एक साथ आ गई है। पहली खुशखबरी आई थी ये कि मेरे 10K हो चुके हैं, तो जो 10K का जो अपना केक वगैरह काटना था वो सेलिब्रेट करना था हमने, अभी करना है क्योंकि अभी मेरे वहाँ टाइम नहीं लग रहा है, मेरे को काम बहुत ज़्यादा है, मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ ना मेरे दोस्त फ्री हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग ना बनाया ना हमने सेलिब्रेट किया। तो करेंगे हम जरूर, बहुत जल्द करेंगे सेलिब्रेट। तो और जो अपना उसको 10K का वो तो हम जरूर करेंगे भाई, क्योंकि 10K मेरे हो चुके हैं। तो जिस दिन जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स हाइड किए हैं वो मैं तब ओपन करूँगा जब मेरे 20K हो जाएंगे, तो बहुत जल्द होने वाले हैं। आप लोगों की दुआ और सपोर्ट रही तो भाई मेरे 20K भी हो जाएंगे। तो दिल से लव यू यार, थैंक यू अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई। मैं मतलब कि क्या कहूँ यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे एक छोटा सा ड्राइवर, मतलब कि जिसके कि 10K हो जाएंगे। और सेकंड खुशखबरी तुम्हारे भाई की, फर्स्ट इनकम आ चुकी है दोस्तों, तो बहुत ही खुशी की बात है भाई। मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन मेरी आई थी 10-12 दिन पहले, तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो पहले मैं तीसरी खुशखबरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो मेरी पेमेंट का प्रोसेस कैसा रहा। तो तीसरी खुशखबरी कि तुम्हारे भाई का घर का काम चल चुका है, वो भी आप लोगों की सपोर्ट और दुआ की वजह से है। तो अब करेंगे हम थोड़ी बातें कि मेरे जो अपना YouTube पेमेंट है उसका जो अपना होता है वो कितना था, कैसे था, वो चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस रहा, मैं हर चीज़ बताऊंगा आपको। तो बस अब मैं ट्रक के ऊपर जाता हूँ, यहाँ मेरे को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, तो माइक हमारे पास है नहीं तो नितिन का ही फ़ोन इसको हम यूज़ करेंगे माइक के लिए। बाकी मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में बताऊँगा कि जो मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट है कितनी आई, कैसे आई और क्या क्या मेरे को इसमें झेलना पड़ा, और मेरे को क्या पता था क्या नहीं पता था, तो किस किस ने मेरी हेल्प की, क्या किया। बाकी लव यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मैं चलता हूँ बाहर, तो मिलता हूँ थोड़ी देर। तो दोस्तों माइक मेरे पास था नहीं तो मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है, जो नितिन का फ़ोन है इससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो भाई तेरे को खुशी हो रही है मेरी फर्स्ट पेमेंट? हाँ भाई बहुत ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे यहाँ पर है नीचे बैग के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सच में यार ये मैं कोई फेक वो नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ मैं गलत नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको पता है मतलब कि 11 महीने हो चुके हैं मेरे को यूट्यूब करते करते, तो मेरी फर्स्ट पेमेंट अब जाके आई है, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, इसमें कोई फेक नहीं कोई झूठ नहीं है। तो अगर भाई बंदों को फेक लगे तो मैं मतलब बैंक से डिटेल भी ले आ सकता हूँ। तो ये जो मेरा इसका प्रोसेस था फर्स्ट पेमेंट का, ये था ऐसा कि जो मेरा एक गांव का ही भाई है एक डेविड, जो मेरे जो मतलब कि जैसे भी कोई मेल वगैरह आती है वो पता कौन मेरा भाई देखता है, तो उसको भी मैंने पार्टी देनी है बहुत जल्द। देखो 2 ब्लॉग आएंगे, पहला तो आएगा जो अपना घर वाला तो आ रहा है, तीसरा जो पहला आएगा जो हमारा जो 10K हुए हैं, मेरे वहाँ अभी टाइम नहीं है, जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं कर दूँगा उस ब्लॉग को बना दूंगा, पार्टी दे दूंगा दोस्तों। वो कितने यार 1500 लगेंगे तो कर देंगे पार्टी, कोई चक्कर नहीं है। तो जो मेरी ये मतलब कि फर्स्ट पेमेंट आई हुई है इसके ऊपर भी हम मतलब 2 पार्टियां पेंडिंग है मेरे दोस्तों को जो भी है, तो मैं ज़रूर भाई इसके ऊपर खरा उतरूंगा, पार्टी करूंगा ज़रूर, दोस्तों को भी दूंगा। तो बात ऐसी है, अब बात आती है कि प्रोसेस क्या रहा था मेरा। तो बहुत मुश्किल प्रोसेस था भाई, 11 महीने कम नहीं होते फर्स्ट पेमेंट के लिए भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बीच बीच में जैसे कई बार मेल आती थी मेरे को पढ़नी नहीं आती थी, तो मैं कई बार ब्लॉग बनाने छोड़ देता था,
तो कई कई बार मैं बनाता भी था। तो जैसे जो मेरा मतलब चैनल मोनेटाइज हुआ 3 महीने बाद, ठीक है, उसके बाद कम से कम जो गूगल पिन आता है, गूगल पिन आया मेरा 4th या 5th month में आया मेरा गूगल पिन। तो एक बार गूगल पिन में ऐसी गड़बड़ होगी, इतना लेट में इसलिए होगी, गूगल पिन में ऐसी गड़बड़ होगी, वो आ गया अपने पोस्ट ऑफिस में आ गया, उन्होंने नाम और एड्रेस पढ़ा, नंबर भी था लिखा हुआ, तो उन्होंने मेरे को भेजा ही नहीं, वो उन्होंने ऐसे ही कर दिया, उसको पता नहीं क्या वापिस भेज दिया। फिर जब मैं दोबारा पूछने गया, बोला हाँ बोला आया था, बोला इस नाम से एक पार्सल आया था, बोला पर बोला मेरे को नाम और एड्रेस मिला यार, फ़ोन नंबर दिया था, कॉल तो कर सकते थे। तो दूसरी बार फिर से आया मेरा गूगल पिन, मैंने फिर अपने उसी डेविड भाई से मैंने बोला यार अप्लाई कर दे फिर से, वो चला गया वापस। तो फिर से आया मेरा, तो वो फिर से वापस भेज रहे, उनको पता नहीं है कि किसका है। जब मैंने पहली बार कंप्लेंट की कि ऐसा है वैसा है, तो यार क्या बोलूँ मैं, हमारे यहाँ के सरकारी काम ना भाई बहुत लेट होते हैं, तो हम कुछ बोल नहीं सकते यार, सरकार के आगे हम क्या बोलेंगे। अब जो अब रखे ऐसे ऐसे बंदे, अब क्या बोलूँ, उनको पता ही नहीं लगता यार, खुद समझो इतना ज़रूरी काम था मेरा, गूगल पिन था, उनको कोई नहीं पड़े यार, अगर हम लेने जाएँ तो लेने जाएँ, अब उनकी ड्यूटी है यार घर घर छोड़ना, हो छोड़ नहीं रहे, वापिस भेज रहे हैं। एक तो इतनी ज़रूरी चीज़ है, एक भाई छोटे से यूट्यूबर को पता कि वो गूगल पिन उसके लिए कितना मायने रखता है, ठीक है, तो मेरे को पता भाई, मेरा दिल जानता है वो गूगल पिन मेरे लिए कितने मायने रखता है। तो बहुत यार बहुत उस टाइम भी मैं बहुत खज्जल हो गया था, मैंने 10-15 दिन ब्लॉग ही नहीं बनाए थे, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार रहने दे, मेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और जो मेरे YouTube से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना मेरी पूरी हो चुकी है, अब मेरे को वीडियोज़ बनाने, यार मेरे को पता क्या है, मेरे को पैसे की भूख नहीं, एक होता है ना यार, अब जो काम हम कर रहे हैं यार उसमें सक्सेस तो मिलनी चाहिए ना, अब अगर मेरे को पैसे की भूख होती ना, कैमरा लेके पूरा दिन ना मैंने घूमते रहना था और ब्लॉग ही बनाने थे, मैंने बिल्लो है ना ये जो अपनी डार्लिंग, मैंने काम नहीं करना था भाई, मेरे को इतना होता तो मैंने काम करना ही नहीं था, मैंने काम ही नहीं करना था, मैंने यही ब्लॉग ही शूट करने थे। और मैं भाई देखो काम करता हूँ, मैं YouTube पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, ठीक है, मैं भाई काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, कमाता हूँ भाई, अपने घर वालों को सब कुछ चला है मेरा, जो भी चला मैंने घर का काम भी लगाया है, ऐसा नहीं है कि भाई YouTube है तो YouTube से मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरा शौक है भाई, ठीक है, क्योंकि जो मेरी इंस्टा फैमिली है ना उन्होंने बोला भाई कि आपको यूट्यूब करना चाहिए, आपको अपने लाइफ का स्ट्रगल बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ भाई, लोगों को अच्छा लग रहा है भाई, पब्लिक पसंद कर रही है भाई, ठीक है, चाह रही है, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। चलो भाई अगर मेरे को सक्सेस मिलती है, मैं अपने साथ भाई बहुत से बंदों को सक्सेस करूँगा, मेरे को जिनका लगेगा कि मेरे को जिनका करना चाहिए, मैं सपने तो बहुत है यार, बातें तो बहुत होगी, मतलब कि बातें बहुत करने को है, पर ऐसे ब्लॉग बनाने का मेरे वहाँ टाइम नहीं होता है कि जो मैं बातें करूँ, क्योंकि आजकल यार सीज़न लगा है, इस बार ना ऑफ सीज़न में मैं बहुत भयंकर भयंकर ब्लॉग लाऊंगा, अगर मेरे को सक्सेस मिलती है ना भाई, जुबान है इस ब्लॉग में कि मैं कुछ अच्छा करके बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि ऐश मस्ती करूँगा घूमूंगा फिरूंगा, नहीं भाई मैं कुछ अच्छा करूँगा भाई, ज़रूर करूँगा, क्योंकि देखो जिंदगी में ना भाई मेहनत करना नहीं छोड़ता मैं, ठीक है, बेसिक मेरा यूट्यूब कल दिन चलेगा भी नहीं भी चलेगा मैं फिर भी मेहनत करूँगा। तो अब बात आती है गूगल पिन की, ठीक है, उन्होंने गूगल पिन नहीं भेजा, फिर जो मेरे गुरुजी है भाई देखोगे आपने, तो मेरे गुरुजी गए एक दिन ऐसे ही गए वो वहाँ डाकघर में, तो जो डाकघर में तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि अरे सुरेश कौन है, मेरा रियल नाम सुरेश है भाई, तो उन्होंने पूछ लिया, बोला उसका यार कोई सामान है, वो आ रहा जैसे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोला आ रहे तो वापस भेज रहे थे, बोला वो आ रहा मेला जीवन भाई लिया दो गुरु जी मेला इसको लिया दो घर लिया दो, तो उन्होंने लिया दिया उस दिन भाई, जिस दिन मेरा गूगल पिन आया था ना उस दिन तुम्हारा भाई मोटा खुश था भाई, क्यों भाई तेरे को बताया था ना मैंने, तो हम बहुत खुश थे भाई जिस दिन गूगल पिन आया था, उस दिन मैंने सोचा कि मेरे यूट्यूब का दूसरा पड़ाव पूरा हो गया, पहला पड़ाव पूरा होता जिस दिन मोनेटाइज हो गया था, और दूसरा पड़ाव उस दिन पूरा होता जिस दिन मेरे को मेल आई थी कि आप गूगल पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर डेविड जो है मेरा भाई उसने कर दिया था भाई अप्लाई जो भी था। तो यार बहुत से बंदे भाई मेरी हेल्प की है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई, तो बाई चांस कल दिन मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर याद रखूंगा। तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये जो फर्स्ट पेमेंट आने में, फिर जब गूगल पिन हमने एंटर किया उसके बाद, तो गूगल पिन एंटर करने के बाद तक जो भी आपने पैसा कमाया होता है वो एक साइड होता है, वो यूट्यूब आपको नहीं देता है, जिस दिन आप गूगल पिन डालोगे उस दिन के बाद जो आप कमा रहे हो उसके बाद का पैसा आपको यूट्यूब देता है। तो जब तक मेरा 6-7 महीने तक मतलब कि मेरा जो यूट्यूब का गूगल पिन था उसके पहले मेरे अच्छे व्यूज़ आते थे, उसके बाद मेरे कुछ व्यूज़ आने घट गए, क्योंकि मैंने मतलब सीज़न चल पड़ा था ना भी भाई 3-4 महीने से, तो मेरे को अच्छे कंटेंट बनाने का टाइम नहीं लगा, बाकी फिर अब मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ और लाता रहूँगा, और
आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप बस मेरे को मतलब कमेंट में बता दिया करो कि आपको कैसे कंटेंट चाहिए, कैसी वीडियोस देखना पसंद करोगे। और मैंने ट्रक से रिलेटेड वीडियो लिया करूँगा कि ट्रक चलाना कैसे सीखेंगे आप भाई, क्या करेंगे, क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की वीडियो लिया करूँगा। बाकी यार हाथ जोड़ के भाई सबको यार थैंक यू कि आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज 11 महीने बाद भाई मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है, तो इसके ऊपर स्पेशल ब्लॉग भी आएगा ज़रूर, तो मैं बहुत खुश हूँ। तू खुश है? मैं बड़ा खुश हूँ। है कितना खुश है? बड़ा भारी लग रहा है इसकी शक्ल से, ये खुश है। ये कोई खुशी नहीं है, जब तक पार्टी नहीं दूंगा इनको तब तक खुश नहीं होंगे। तो दूंगा यार बहुत गच वाली पार्टी दूंगा दोस्तों। बाकी जो मेरा गूगल पिन हमने एंटर किया 6-7 महीने बाद, उसके बाद मतलब कि अभी ये भी बताऊंगा कि पेमेंट कितनी है, ये क्या है। तो जब मेरी उसके बाद की जो हो गया, तो उसके बाद गूगल पिन डालने के बाद ना, जब तक आपके $100 नहीं होते ना भाई, $100, तब तक भाई पेमेंट नहीं आती, तब तक आपको यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता है, ठीक है। तो मतलब अभी जस्ट 10-12 दिन पहले ही मेरी पेमेंट आई है, मतलब सोच लो कि मेरी 10 महीने बाद मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आ गई है। तो वो पेमेंट कितनी आई है, मैंने बहुत से ब्लॉग ऐसे भी देखे हैं कि जिनमें हर ब्लॉगर यही बोलते हैं कि फर्स्ट पेमेंट कितनी है ये उसको बताते नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो जितना मैंने देखा है, जितना मैंने देख देख के सीखा है, तो मैं वो ही बोल रहा हूँ कि शायद मेरे को भी नहीं बताना चाहिए। तो मैं कुछ हिंट दूंगा कि मेरी फर्स्ट पेमेंट इतनी आई है कि मैं एक स्मार्टफोन आसानी से ले सकता हूँ अभी जाके ही। तो स्मार्टफोन एप्पल का फोन नहीं भाई, एप्पल का सेकंड हैंड फोन, पर स्मार्टफोन में एक एंड्रॉयड फ़ोन ले सकता हूँ जिससे ब्लॉगिंग वगैरह कर सकता हूँ। इतनी कर मेरी मतलब फर्स्ट इनकम आई है, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, माइंड मत करना यार, इसी तरह सपोर्ट दिखाओ और इसी तरह भाई अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहो भाई। तो इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, गच गच वाली वीडियो लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि 1-2 हफ्ते बाद मैं सेलिब्रेट करूँ, तो जिन जिन बंदों ने भाई मेरा साथ दिया है उनको सेलिब्रेट करवाऊं। बाकी जो मेरे से दूर है भाई, जहाँ मैं पार्टी करने जाऊंगा सबको बुलाऊंगा भाई, इनवाइट होगा, जो जो आ सकते हैं वो आ जाना, जो जो दूर है भाई वो देख के मज़े ले लेना। बाकी दिल से तुम्हारा भाई तुम्हारे को सबको प्यार करता भाई, बाकी लव यू मेरी तरफ से सभी को, और मुझ जैसे गरीब को सपोर्ट करते रहो भाई। तू बोलना चाहता कुछ? मैं नहीं। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, इस खुशी को मैं ना मैं मतलब ऐसे बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जिस दिन पार्टी होगी ना उस दिन मैं दिल की सारी भड़ास निकालूंगा। तो बस लास्ट बार आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो बस दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो, अपना आसपास सफाई बनाए रखो, और मुझ जैसे गरीब को भाई सपोर्ट करते रहो। तो सोचा नहीं था यार मुझ जैसे ड्राइवर को इतना सपोर्ट मिलेगा, मैं सच में बहुत खुश हूँ भाई। तो कमेंट करना यार किस किस को खुशी हुई है, मेरे जो यूट्यूब का आखिरी पड़ाव था भाई वो पूरा हो चुका है, इसके बाद भाई मेरी वीडियो वायरल हो, मेरे को व्यूज़ आए ना आए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को इतना जानना था कि मैं यूट्यूब में कामयाब हो पाता हूँ कि नहीं, मैं हो गया हूँ भाई, मेरे को खुशी है। बाकी तुम्हारा भाई, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा भाई कमाता है भाई, ठीक है, यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहता है, तुम्हारा भाई कमाता है और कमाता रहेगा आखिरी दम तक, ठीक है। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ, ये आप लोगों को भी पता है, पूरे दिन पूरी रात भाई मेहनत करता हूँ और मेहनत करता रहूँगा जब तक ये बाजू सलामत है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।